है जिसमें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। इस संदर्भ में संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि संगठन एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का सदस्य है जिसकी अंतिम बैठक 21 अगस्त 2024 को दिल्ली में आयोजित हुई थी। इस बैठक में यह तय किया गया है कि प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जाए कि 2011 में जिन सिफारिशों के आधार पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एमएसपी की गारंटी लागू करने को कहा था, उन्हीं सिफारिशों को अब वे स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में मानते हुए एमएसपी की गारंटी का कानून पारित करें। इसके अलावा राहुल गांधी को संबोधित ज्ञापन में बताया गया कि 2024 के आम चुनावों में उनके गठबंधन ने एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया था जिसे किसानों ने विश्वास के साथ समर्थन दिया। हालांकि अब किसानों को मायूसी हो रही है क्योंकि गठबंधन के कुछ नेताओं ने कहा कि केंद्र में सरकार न बनने के कारण वे एमएसपी गारंटी नहीं दे सकते। ज्ञापन में गठबंधन के राज्यों में एमएसपी गारंटी कानून लागू करना व आग्रह किया गया ताकि किसानों का भरोसा बना रहे। इस मौके पर संगठन के कई प्रमुख सदस्य भी उपस्थित थे। किसान एकता जिंदाबाद। एमएसपी की गारंटी कानून बनाया गया है। एमएसपी आज एमएसपी के नाम पर देश में बहुत से आंदोलन अब तक हुए हैं और सभी राजनीतिक दल जो है एमएसपी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में आता है वो किसानों की खुशी भूल जाता है। सरदार बीएम सिंह जी 20 वर्षों से कानूनी लड़ाई एमएसपी की लड़ रहे हैं। दिल्ली में जो आंदोलन के जनक नहीं जानता था कोई, तब से आंदोलन की शुरुआत की कुछ अरायत सब आगे प्रोत्साहन होने लगी। 26 जनवरी की घटना से उनको आंदोलन से वो पीछे हट गए। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो भी एमएसपी की बात करते थे, किसानों के लिए एमएसपी बनना चाहिए, हम सत्ता में आएंगे तो बनाएंगे। राहुल गांधी जी की कांग्रेस सरकार कई वर्षों से देश को शासन किया लेकिन एमएसपी का कानून नहीं बनाया, तो आज भी पक्ष में वो भी एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए हम जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए थे। सभी संगठन के पदाधिकारी आए हुए थे, काफ़ी लोग यहां से जा चुके हैं। तो ज्ञापन दिया गया है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाना किसानों के लिए भविष्य है, अति आवश्यक है। कारण ये है कि जब हम आलू की खेती करते हैं तो आलू 5 रुपये से 10 रुपये से नीचे बिकता, वही आलू आज मार्केट में 40 रुपये किलो बिक रहा है। एक तरफ जहां कोई दवा की टैबलेट 3 रुपये की बनती है, लागत आती है वो 300 में या 30 रुपये में अधिक से अधिक दाम बेची जाती है, हमारी लागत के मूल्य हमको आखिर क्यों नहीं मिल रहे हैं, हमारा शोषण क्यों हो रहा है। इसलिए गारंटी का कानून इतना आवश्यक है कि हमारी उपज जो लागत आती है उसका 150 दाम हमको नगद मिले जिससे हमारा परिवार चले। आज पूरे देश का किसान कर्ज के दलदल के अंदर है और कर्ज देने की सरकारें व्यवस्था कर देती हैं लेकिन कर्ज अदा कैसे होगा इस पर कोई विचार नहीं होगा। जब हमारी फसल का दाम हमको नहीं मिलेगा, समय पर गन्ना भुगतान नहीं मिलेगा, तो हम कर्ज के दलदल में ही जाएंगे, ब्याज का पैसा अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष से हमारा अनुरोध है कि एमएसपी की गारंटी का कानून किसानों को बना दीजिए जिससे उनका भविष्य सुधरे, उनके लागत के दाम तो किसानों को मिल जाए जिससे उनका परिवार चल सके। जय हिंद, जय भारत। किसान एकता जिंदाबाद।